जनता सरकार मोर्चा द्वारा जिला उपायुक्त को ज्ञापन देकर मांग की गई। सरफेसी एक्ट को ढाल बनाकर उनकी जमीन, दुकान व मकान, फैक्ट्री आदि की कुकर्की करके उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। उपायुक्त महोदय, आपसे अनुरोध है कि सरफेसी एक्ट बैंकों के पक्ष में ना देकर इनकी जांच कराई जाए और जनमानस का सम्मान के साथ जीने का अधिकार ना छीना जाए। ये गारंटी वाला नोट है, ये रुपया नहीं है, रुपए की रसीद है। इसके बदले रुपया देने का इस पे एक वचन दिया हुआ है। मैं धारक को 2 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। हम वो रुपया वापस लेने आए हैं जो बैंकों के पास है, और वो रुपया क्या है, वो सोने की शक्ल में है, वो सोने की मोहरें हैं, गिन्नी है, जो आप हमारे चलन में जो थी वो इनके पास जमा है, उसके बदले ये रसीद दी हुई है। क्योंकि जब इंसान कर्ज में होता ना भाई, उसका दिमाग ही काम करता है। सब एक कौन सा आप संगठन है, आपके किस पार्टी से, कैसे है आप लोगों के सहयोग कैसे करते हैं? देखिए, संगठन तो इस देश के संविधान को पढ़ो, इस देश के संविधान के प्रथम पृष्ठ पे लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत के मालिक हैं। सरकार हमारी नौकर है, हम देश के मालिक हैं, और सरकार को इस संज्ञान में लेना चाहिए कि वो मालिकों से पूछकर काम करें, मनमानी ना चलाए, ये लूट ना करें। ये जो लूट चल रही है, इस लूट को बंद कराने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं, और आज डीसी साहब के माध्यम से हम उनको ज्ञापन देकर इस चीज की मांग करेंगे कि डीसी साहब, आप बैंकों की रिकवरी बंद कराइए। जब तक मालिक को सामने ना बुलाएं, आमने सामने बात ना हो, तब तक ये कार्यवाही बंद कीजिए, और हमारा रुपया जो बैंकों के पास है वो हमें वापस दिलाइए। क्योंकि जब बैंकों की रिकवरी करा सकते हैं तो हमारी भी रिकवरी कराइए। हमारा मकसद है डीसी को ज्ञापन देना। बैंकिंग सिस्टम जो फ्रॉड कर रहा जनता के साथ, ये एक षड्यंत्र खेला जा रहा है बैंकिंग के द्वारा, सिस्टम के द्वारा, और एक मायाजाल में फंसाया जा रहा है। दबादब लोन बांटे जा रहे हैं, कर्ज बांटा गया है, सारी देश की जनता कर्ज में है। जनता के पास एक ही रास्ता बचा है, जनता कहती है कि जी मैं कर्ज में हूं तो मैं आत्महत्या कर लूं, और करें क्या, कोई विकल्प सामने नहीं है। क्योंकि साथियों, आप देखें 34 लाख करोड़ की करेंसी चली हुई है, 176 लाख करोड़ का कर्ज बांट दिया गया है, और ये तो विदेशी कोई IMF को कर्ज देता, 205 लाख करोड़ का भी आंकड़े आए साल में हुए थे, आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, RBI या बाहर से भी, 205 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज है। आने वाली 7 पीढ़ियां भी जनता की ये कर्ज नहीं उठा पाएंगी, और इस देश को दोबारा गुलाम बनाया जा रहा है किसी विदेशी षड्यंत्रकारियों का, और देश के गद्दार नेताओं, भ्रष्ट राजनीतिक पार्टियों का ये षड्यंत्र मिलकर इस देश की जनता को गरीब और गुलाम बनाने का काम कर रहा है।